दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल ईडी ने एक ऐसा जाल बिछाया है, अगर केजरीवाल इसमें सीधा फंस सकते हैं तो वहीं मनीष सिसोदिया की तरह तिहाड़ की वो हवा भी खा सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईडी के उस एक्शन की जिसमें ईडी ने कारोबारी दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है जो शराब घोटाले के गवाह हैं। वहीं आपको बता दें, दिल्ली के चर्चित अबकारी नीति घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने इस दौरान कारोबारी दिनेश अरोड़ा को प्रवर्तन निर्देशालय की हिरासत में भेजा है। अदालत ने कारोबारी दिनेश अरोड़ा को 4 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा है। ईडी ने कथित शराब घोटाला कारोबारी को गुरुवार को गिरफ्तार किया था। दरअसल कारोबारी दिनेश अरोड़ा वही शख्सियत हैं जिन्हें सीबीआई ने शराब घोटाले में अपना गवाह बनाया है। इसके बाद जब दिनेश अरोड़ा को ईडी ने रिमांड पर लिया तो माना जा रहा है कि शराब घोटाले की जांच एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। दिनेश अरोड़ा को लेकर जो FIR प्रवर्तन निर्देशालय की तरफ से दायर की गई, उसमें कहा गया है कि दिनेश अरोड़ा ने अबकारी नीति को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि दिनेश अरोड़ा दिल्ली के रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में एक बड़े नाम है। दरअसल दिनेश अरोड़ा के बारे में बताया जाता है कि वो इस मामले के मुख्य आरोपी और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के करीबी रहे हैं। पिछले साल नवंबर के महीने में दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली की एक अदालत में अर्जी दी थी और सरकारी गवाह बनकर इस मामले से संबंधित सभी राज्य जांच एजेंसी को बताने की बात कही थी। दिनेश अरोड़ा ने अदालत को बताया था कि सरकार गवाह बनाने के लिए उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। दिनेश अरोड़ा के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो इस मामले के एक नए आरोपी विजय नायर के साथ काम कर रहे थे। विजय नायर शराब घोटाले में पहले से ही जेल में है। बता दें कि दिनेश अरोड़ा इस मामले में आरोपी हैं और उन्हें हाल ही में जमानत मिली थी। सीबीआई ने दिनेश अरोड़ा की जमानत का विरोध नहीं किया था। अदालत को जांच एजेंसी ने बताया था कि दिनेश अरोड़ा जांच में सहयोग कर रहे हैं और उन्होंने अहम जानकारियां दी हैं। जांच एजेंसी को उनकी जमानत से कोई आपत्ति नहीं है। अबकारी नीति घोटाले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है। माना जा रहा है कि ईडी अब दिनेश अरोड़ा से नए और तीखे सवाल पूछ सकती है जो इस केस की जांच में नया मोड़ भी ला सकती है। अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा केजरीवाल को लेकर भी अब कई खुलासे कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि दिनेश अरोड़ा की केजरीवाल के साथ मुलाकात की जानकारी भी सामने निकल कर आई है। ऐसे में अगर दिनेश अरोड़ा केजरीवाल को लेकर खुलासा करते हैं तो अब केजरीवाल का बच पाना काफी मुश्किल है। अब ऐसे में ईडी केजरीवाल के ऊपर सख्त एक्शन भी ले सकती है। खैर, केजरीवाल को लेकर आपकी क्या राय है? हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर रखें।